हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू माई चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4 सितंबर 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये इंटू 5 + 2 है, सेम इंटू 5 + 2 इंटू 5 + 2 इंटू 5 + 2। तो इंटू 5 + 2 यहाँ पे भी जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,602, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमें देखना है, ठीक है, सिंस देखिए कितना बड़े बड़े नंबर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई से रिलेट करेगा। तो ये कितना होगा, ये होगा इंटू 7 - 2। तो यहाँ पे भी हम इंटू 7 - 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 768, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये बोल रहे हैं कि ऑल रोप्स आर फॉक, अच्छा एक मिनट, ऑल रोप्स आर फॉक्स, सम फॉक्स आर स्पून एंड सम स्पून आर चॉपस्टिक्स। तो सम रोप्स आर स्पून, तो रोप्स और स्पून में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये हट गया। ऑल फॉक आर चॉपस्टिक्स, तो ये भी कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि 8 इज़ रिलेटेड टू 50, 4 इज़ रिलेटेड टू 30। तो हमें पता करना है, तो अगर हम देखें 8 × 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 + 10 करने से हो गया 50। वहीं 4 × 5 करने से हो गया हमारे पास 20 + 10 करने से हो गया 30। तो 20 × 5 तो 100 हो जाएगा, ये हट जाएगा। 6 × 5 इज 30, माइनस में जाएगा, ये भी हट गया। 7 × 5 होता है हमारे पास 35 + 10 इज 45, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है कि मतलब इंटरचेंज करके हमें पता करना है कि आंसर क्या आएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 729/81 + 96 - 13 × 8। ये गया कितना, 9 times, और ये हो जाएगा 9 + 96 - 104, विच इज़ इक्वल टू 105 - 104। और आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो हमें दिख रहा है ये इस तरफ गया है, राइट, एंड देन ये इधर गया है। ओके, पहले हम ट्रायंगल को ही देख लेते हैं, ये देन ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, यानी कि अब इसको यहाँ आना था, तो ये तो हट गया। ठीक है, छोटा करते हैं, हाँ ठीक है। अब अगर हम देखें पी यहाँ गया, फिर पी वापस आया, फिर पी इधर गया, फिर पी को सेंटर में वापस आना था, ठीक है, सब में ही है, ये ऑलरेडी हट चुका है हमारे पास। अब अगर हम देखें ओ को, ठीक है, ये पहले इधर गया, ओके, ओ तो यहाँ से तो गायब हो गया था ये, ठीक है, यहाँ नहीं है। टी को देख लें, टी यहाँ था पहले, फिर मतलब एक स्टेप चला है, फिर टी दो स्टेप चला है, फिर टी तीन स्टेप चला है, तो अब फोर स्टेप चलेगा, यानी कि 1, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे आना चाहिए टी। तो ये भी हट गया, और ये दोनों अभी है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम देखें ओ को, तो ओ पहले यहाँ गायब था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब ओ को कहाँ जाना था, तो अब ओ को यहाँ से गायब होना था, क्योंकि ओ यहाँ पे आ चुका है, तो ओ तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये बोल रहा है कि अगर कॉइन ऐसे कोड किया जाता है वंस ऐसे, तो ई का कैसे कोड किया जाएगा। तो देखिए ओ सी ओ एन जो है वो कॉमन है, तो कॉमन वाले नंबर्स जो है वो हटा देते हैं, तो 9 और 9 हट गया, 3 और 3 हट गया, 5 और 5 हट गया, यानी कि ई का कोड हो गया है हमारे पास 4। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये बोल रहा है ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर हैवी एंड ऑल हैवी आर वुड। तो ऑल
ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, नहीं ये वाले लैपटॉप्स कंप्यूटर नहीं है, सम हैवी आर लैपटॉप्स, तो ये वाले तो हैवी जो हैं लैपटॉप्स हैं, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये बोल रहा है कि सिक्स पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, करण सिक्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो ये हो गया कौन, करण, ठीक है। देन है हमारे पास दिलीप सिट्स थर्ड फ्रॉम थर्ड टू द राइट ऑफ करण, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ आ गया दिलीप, राहुल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप, तो यहाँ आ गया राहुल, प्रभात सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, तो यहाँ आ गया प्रभात, संदीप सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रभात, तो यहाँ आ गया संदीप, हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ करण, तो ये हो गया कौन, संदीप, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि इसमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो m क्या होता है, m होता है 13, q हो गया 17, u हो गया 21, y हो गया हमारे पास 25, यानी यहाँ पे प्लस 4 का पेयर चल रहा है, राइट। तो 25 प्लस 4 क्या होगा, c, ये दोनों हट गए। अब क्या है, a हो गया 1, x हो गया 24, u हो गया 21, r हो गया 18, यानी -3 चल रहा है, तो 18 -3 कितना होगा, 15, 15 क्या होता है हमारे पास, o, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें ये जो दो रिलेशन पता कर रहे हैं वैसा ही सेम रिलेशन हमें देखना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 5 क्यूब कितना होता है 125, प्लस 3 करेंगे तो 128 हो गया, वहीं पर 9 क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 729, प्लस 3 करेंगे तो हो गया 732, तो 5 क्यूब तो अभी हमने निकाला था 125 होता है तो ये तो हट गया, 3 क्यूब कितना होता है 27, प्लस 3 करेंगे तो हो गया 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्लस 10 हो रहा है, यहाँ प्लस 20 हो रहा है, यहाँ प्लस 40 हो रहा है, यहाँ प्लस 80 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 160 होगा, तो 160 ऐड करने से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 315 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये बोल रहा है इसका हमें मिरर इमेज बताना है। तो देखिए ए नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, ये हट जाएगा हमारे पास, के नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये हट जाएगा हमारे पास, एच हम, ये वाटर इमेज बन गया, ये हट गया, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये बोल रहा है इसको इंटरचेंज करके हमें आंसर निकालना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 39 × 5 - 8 + 99, और ये आ गया हमारे पास 9 डिवाइड में, तो ये कितना 11 टाइम्स हो गया। 39 × 5 कितना होता है, ये होता है 195, माइनस 8 करेंगे और प्लस 11 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 195 प्लस 9 प्लस 3 तो 198, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो E होता है हमारे पास 5, I होता है 9, M होता है 13, Q होता है 17, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्लस 4, 17 प्लस 4 कितना होता है U, ये दोनों हट जाएंगे। अब अगर हम देखें M कितना होता है 13, L होता है 12, K होता है 11, J होता है 10, यानी 9 क्या हो गया, 9 हो गया I, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगेन एन होता है 14, जे होता है 10, एफ होता है 6, बी होता है 2, यानी -4 चल रहा है, तो यहाँ पे -4 करने से कितना आएगा 24, तो ये दोनों तो हट गए। अब हम देखें बी क्या होता है 2, एक्स होता है हमारे पास 24, टी होता है हमारे पास 20, बी होता है हमारे पास 16, यानी कि यहाँ पे भी -4 चल रहा है, 16 - 4 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 12, 12 की वैल्यू क्या होती है एल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये बोल रहा है कि पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो पेपर फोल्डिंग में क्या होता है, जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो वाटर इमेज होता है, साइड में मिरर इमेज होता है, ठीक है।
तो अगर हम देखें यहाँ से ये वाला तो वाटर इमेज है ही नहीं, ये हट जाएगा, ये ऊपर कैसे चले गए, सॉरी ये नीचे था, ये हट जाएगा, ये ऊपर, ठीक है। बट ये दोनों, इसका और इसका फेस अलग नहीं हो सकता है, ये हट गया और यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं कि अगर ब्लांच को हम 36 से कोड करते हैं, अरब को हम 24 से करते हैं, तो करेक्ट को कैसे करेंगे, ठीक है। तो ब्लांच को अगर हम देखें कितने नंबर्स हैं इसमें, इसमें है हमारे पास BLANCH 6 नंबर्स हैं, तो या तो 6 का स्क्वायर करने से 36 आता है या फिर 6 × 6 करने से आएगा 36। वहीं पर अगर हम यहाँ देखें अरब कितना है, 4 × 6 करने से आएगा 24, यानी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो करेक्ट कितना है, करेक्ट में है 7, 7 × 6 करेंगे तो हो गया 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है, सॉरी 19 एंड ये कह रहा है DKGE इज रिलेटेड टू IPOJ एंड GTSM इज रिलेटेड टू दिस, तो ये भी कैसे होगा। तो डी क्या होता है हमारे पास, 4K होता है 11, J होता है 10, ये हो गया 5, I क्या होता है 9, P होता है 16, O होता है 15 और ये हो गया 10, यानी कि प्लस 5 हो रहा है। तो R कितना होता है, R होता है 18, 18 प्लस 5 करने से आता है हमारे पास 23, तो ये दोनों तो हट गए। फिर है हमारे पास Y होता है कितना है, सॉरी नहीं 2, B है हमारे पास, B प्लस 5 करने से आता है 7, तो 7 होता है G और ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ बैचलर्स इज अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बैचलर्स कैसे लिखते हैं, BACHELOR अरेंज कर देते हैं, ये हो गया ABCEHLOR, तो ये 3 और यहाँ 1, 4 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।